सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ एक, जिसके में हम लोगों ने भाषा की चर्चा की थी, भाषा का अध्ययन किया था, तो उसी का अगला खंड जो है वह है लिपि। तो आज हम लोग लिपि के विषय में अध्ययन करेंगे कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या है ना, किन किन भाषाओं की लिपि क्या क्या है, उसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भाषा की जब चर्चा की थी तो उसमें भाषा के दो रूप बताए गए थे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा जो है उसको लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह को बनाया गया व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण वेताओं के द्वारा, तो उन चिन्हों को ही लिपि कहा गया है। और उसी के माध्यम से हम भाषा के अंतर्गत जो भी बोलते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिपि की जो परिभाषा दी गई है वह कुछ इस प्रकार की है। भाषा को निश्चित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को बनाया गया है उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, ठीक इसी प्रकार से उर्दू भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कहलाता है। तो लिपि के विषय में मुख्य रूप से आप यही बातें हैं जो कि हम लोगों ने देखा, लिपि की परिभाषा और उसके विषय में कुछ चर्चा। दरअसल होता ऐसा है कि हम लोगों ने जो भाषा को पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने मौखिक और लिखित भाषा की चर्चा की थी। तो मौखिक भाषा में तो चूंकि हम लोग कुछ बोल करके एक दूसरे के समक्ष अपने बातों को प्रकट करते हैं, लेकिन यदि ऐसा हो कि जिनको यह संवाद पहुंचाना है या जिनको विचार पहुंचाना है वो यदि दूर है ना, या वो अभी वर्तमान में नहीं है, बाद में उन तक पहुंचा जा सकता है, तो उसको जो है वही बात पहुंचाने के लिए जो है लिपि को तैयार किया गया है, और तब जो है उसी के माध्यम से हम लोग लिखित भाषा की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि लिखित जो भाषा है उसमें जो है लिपि का जो सो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो और इसी में जहां हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है, तो देवनागरी के विषय में मैं ये कह सकते हैं जब हम लोग वर्ण जब पढ़ेंगे तो हम लोग जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है देवनागरी का जो है सो ये जो इसका रूप जो है वह हमें स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। तो लिपि के विषय में कुछ यही बातें हैं। अब हम लोग आगे चले व्याकरण के विषय में कि व्याकरण क्या है, क्योंकि इसका तीसरा खंड जो है वह है व्याकरण। तो व्याकरण के विषय में कहा जाता है कि व्याकरण एक ग्रंथ है
जिसे नियमों का ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने नियम बताए जाते हैं कि जिन नियमों के माध्यम से ही हम किसी भी प्रकार के भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो इन्हीं आधारों पर व्याकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। व्याकरण व्याकरण नियमों का वह ग्रंथ है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। यानी व्याकरण एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में भाषा को पूर्ण रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं और उसमें बताया गया है कि भाषा को किस प्रकार से हम लोग शुद्ध शुद्ध जो है पढ़ सकते हैं, शुद्ध शुद्ध हम लोग लिख सकते हैं और शुद्ध शुद्ध जो है वह बोल सकते हैं। तो बिना व्याकरण के हम लोग किसी भी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि भाषा में अशुद्धियां होगी तो फिर व्याकरण का कोई महत्व जो है सो नहीं रह जाएगा, और बिना व्याकरण का भाषा जो है वह पूर्ण कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए भाषा कोई भी हो, हिंदी भाषा है तो उसके लिए व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा है तो उसके लिए व्याकरण है, संस्कृत भाषा है उसके लिए व्याकरण है, तो सभी भाषाओं के लिए व्याकरण बनाया गया है। हाँ, ये जरूर होता है कि विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न भाषाओं का जो व्याकरण है उसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ जो है थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, और लगभग लगभग बाकी जो है लगभग एक जैसा ही होता है, बस केवल भाषा जो है वह उसमें बदला हुआ होता है। तो व्याकरण बस यही है ना, व्याकरण के विषय में हम लोगों ने यही देखा। तो अभी हम लोग इस कक्षा में लिपि के विषय में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि के विषय में बताया गया कि भाषा को निश्चित रूप देने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा उसकी लिपि रोमन है, उर्दू भाषा उसकी लिपि जो है फारसी है, और पंजाबी भाषा उसकी लिपि जो है गुरुमुखी है। इसके आगे का जो खंड है वह है व्याकरण, और व्याकरण के विषय में अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा, हम लोगों ने परिभाषा को भी देखा कि व्याकरण नियमों का वह ग्रंथ है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो इसके आगे का जो बिंदु है वह है व्याकरण के विभाग। व्याकरण चूंकि व्याकरण ग्रंथ है तो उसके कई विभाग हैं, उन विभागों में जो मुख्य विभाग है उसे तीन भागों में बांटा गया है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि व्याकरण के तीन विभाग होते हैं।
व्याकरण के तीन विभाग होते हैं, एक है सब पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ये जो तीन विचार, तीन विभाग जो बताए गए हैं व्याकरण के, वो आधुनिक व्याकरण के द्वारा बताया गया है, जबकि इसके पहले के बहुत सारे जो पुरानी पुस्तकें हैं व्याकरण के, उसमें व्याकरण के पांच विभाग बताए गए हैं, जिसमें पहला तो वर्ण विचार ही है, दूसरा शब्द विचार ही है, तीसरा वाक्य विचार है, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा जो है वह है छंद विचार। तो ये जो दो है, इन दोनों की चर्चा अभी आधुनिक जो व्याकरण निकल रहा है उन व्याकरणों में देखने को जल्दी नहीं मिलता है। एक बात जरूर है कि इसे पूर्णतः हटाया नहीं गया है, इसका भी जो है अध्ययन हम लोग करते हैं। चिन्ह विचार का अध्ययन हम लोग विराम चिन्ह के अंतर्गत करते हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, है ना, प्रश्न विचार, ये प्रश्न चिन्ह जो है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, लाघव है, त्रुटिपूर्ण ये चिन्ह है, तो ये सब हम लोग चिन्ह विचार जो है उसको हम लोग विराम चिन्ह के अंतर्गत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से ये छंद विचार जो है, ये छंद विचार जो है सो इसका अध्ययन हम लोग अलंकार के रूप में करते हैं, अलंकार छंद और अलंकार की पढ़ाई होती है तो उसमें हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक विचार ही व्याकरण के तीन विभाग के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस खंड में आज इतना ही, और अगले जो कक्षा है उस कक्षा में वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक विचार, ऐसे जो है सो पढ़ा जाएगा। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न लिखते हैं और आप भी इसको लिखें, इस प्रश्न को, और प्रयास करें कि घर पर जो है सो उन प्रश्नों के उत्तर लिखें, और यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान करें। तो प्रश्न लिखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या एक है, लिपि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। दूसरा, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? इसके विभागों का वर्णन करें। तीसरा, भाषा के लिए व्याकरण
क्यों आवश्यक है? तो इस प्रकार से प्रश्न है। पहला प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। दूसरा प्रश्न है व्याकरण से आप क्या समझते हैं, इसके विभागों का वर्णन करें। तीसरा है भाषा के लिए व्याकरण क्यों आवश्यक है, लिखें। तो ये प्रश्न है और आप इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में आप लिखें। धन्यवाद।